हाँ, सबसे पहले मुबारकबाद के शुएब मलिक के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तो क्या शुएब मलिक का स्टेटस है चल के मैच के? देखिए, पहले तो बिल्कुल शुएब भाई को, उनकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए भी और हम लोगों के लिए भी। और अल्लाह ताला बच्चे को सेहत दे, उनकी अम्मी को सेहत दे और बच्चे को नेक ईमान वाला बनाए। और उसके अलावा ये कि शुएब भाई का स्टेटस ये कि इंशाल्लाह वो कल सुबह टीम को ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है और इंशाल्लाह कल मैच भी खेलेंगे। देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सीरीज़ है हमारे लिए ये भी, क्योंकि अब जो सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी वो गुजर गई और अब हमारा पूरा फोकस जो है सीरीज़ पे, और न्यूजीलैंड भी एक टफ टीम है और T20 में अच्छा परफॉर्म करती चली आई है, तो हम कोशिश करेंगे जो मोमेंटम हमारे पास है उसको जारी रखें। और सीरीज़ का पहला मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कोशिश करेंगे पहले मैच से ही अच्छी टून सेट करें ताकि पूरा आगे सीरीज़ हमारी अच्छी हो। देखें, दोनों टीमें अपनी अपनी जगह मजबूत थी, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और उनके पास ऐसे प्लेयर मौजूद थे जो कि आप मैच विनर प्लेयर मौजूद थे, जो कि ऐसे प्लेयर थे जो किसी भी दिन एक दिन इनिंग खेलते, जैसे आपने देखा मैक्सवेल ने विकेट पर टाइम लिया तो वो मैच को बहुत करीब ले गया था। तो दोनों टीमों में अच्छे प्लेयर मौजूद हैं। अगर आप इनकी टीम की बात करते हैं तो उनके पास भी ऐसे प्लेयर हैं, मुनरो हैं, विलियमसन हैं, उसके अलावा इनके पास फास्ट बॉलिंग का शोभा जो है बहुत मजबूत है, एडम मिलने वापस आए टीम में, उसके अलावा लुक फर्गसन है, टीम साउथ ही है, तो इनका इनकी भी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हम कोशिश करेंगे जो अच्छे क्रिकेट हम खेलते चले आ रहे हैं उसी को जारी रखें। देखिए, मैंने अभी पिछले एक इंटरव्यू भी दिया था, मैंने कहा था जो खास बात है हमारी टीम में जो एक डिफरेंस है वो शायद, एक तो हमारी टीम में नए लड़के बहुत ज़्यादा हैं, यंग हैं और एनर्जेटिक हमारी टीम है, और सबसे जो मेन डिफरेंस है वो है हमारी फील्डिंग का। जिस तरीके से हमारी फील्डिंग जो स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में इतनी ज़बरदस्त होती चली जा रही है, जहाँ पर टीम को रिक्वायर्ड होती है एक अच्छे कैच की या एक अच्छे रन आउट की, तो वो मैं समझता हूँ कि और टीमों में ज़्यादा फैक्टर जो है वो हमारी टीम में यही आ रहा है कि फील्डिंग हमारी जो है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो कि राइट टाइम पर राइट कैचेस, और जो कि इस सीरीज़ में नज़र भी आया, रन आउट किए हमने, राइट टाइम पर राइट कैचेस किए, पिछले मैच में आपने देखा कि शुएब भाई ने 3 कैचेस लिए, उसके अलावा और लड़कों ने भी कैचेस लिए। तो आई थिंक मेन डिफरेंस मुझे लगता है कि हमारी टीम की जो फिटनेस, एक तो वो बहुत अच्छी है और फील्डिंग जो है जो सबसे अहम किरदार अदा करते हैं वो सबसे बेहतर है और टीमों से। Yes, definitely. If you win against top sides, so you have more responsibility against the other side as well. So we are very focused. So hopefully, we'll perform well against New Zealand as well, inshallah. Your preparation for this T20 series. Yes, preparation was very good. We have one day for practice. You know, today we are practicing in Dubai ICC Cricket Academy. So players are well prepared. So hopefully, we will do well, inshallah. You know, if you talk about the T20 team, every team is tough opponent. You know, on the day, the team who playing better, that team won. So we are really focused. So in this series, so hopefully we perform well as a team. And you know, T20 format, different format, you have to play every day your top game. So we will try our level best to play a top game every game. देखिए जी, प्लेइंग 11 जो हमारी सेम है और उसमें जो हमने उस्मान शाहिन शाह अफरीदी जो है वो उसमें इंडक्ट होंगे, तो 12 साइड है इंशाल्लाह। मैच से पहले हम जो है प्लेइंग 11 डिसाइड करेंगे, फखर जमान अवेलेबल नहीं है तो सेम प्लेइंग 11 और उस्मान शाहिन शनवारी, फखर जमान अभी फिट नहीं हुए अभी प्रॉपर पूरे, तो वो सेम प्लेइंग 11 है और शाहिन अफरीदी जो है उनकी जो है जो नी में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो साइड वाइज मूवमेंट में प्रॉब्लम है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में वो दस्तयाब होंगे। हाँ, वो नॉर्मल सी उनकी बॉल लगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परेशानी वाली बात है, एसिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपने